Hello everyone, welcome back. Today we will continue the unit 3 and this is part 3. Today we are going to discuss about theory of demand and price elasticity of demand. तो आज हम लोग पहला देखेंगे demand के बारे में. Demand का मतलब क्या है? Demand का meaning है कि कोई अगर हम लोग कोई सामान को चाहता है और उसको खरीद सकता है और खरीदने के लिए रेडी है तो उसको हम लोग डिमांड बोलेंगे. ओके, डिमांड मीन्स डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक बाय परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. ठीक है, द नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस. In other words, law of demand expresses inverse relationship between own price of a commodity and its quantity demanded. Law of demand बताता है कि कोई भी सामान का दाम और उसका जो quantity demand है वो inverse relation है. ठीक है, जब भी price बढ़ेगा उसका demand जो है वो कमेगा और जब भी price कमेगा उसका demand बढ़ेगा. यही law of demand बताता है कि price and quantity demanded inverse relation है, means opposite relation. ओके, नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. कि लॉ ऑफ डिमांड को काम कराने के लिए कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है. यहाँ पे चार एजम्पशन लिया गया है लॉ ऑफ डिमांड के लिए. फर्स्ट एजम्पशन है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज. सेकेंड है देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. थर्ड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंटरी गुड्स डू नॉट चेंज. Fourth, consumers do not expect any change in the price of the commodity in the near future. ये assumption लेने के बाद ही law of demand काम करेगा. Next, demand schedule. Demand schedule क्या है? Demand schedule एक table form में present किया हुआ price और quantity demanded का statement है. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर एक कोई भी कमोडिटी का या एग्जांपल ले लो कि एक कमोडिटी हुज प्राइस इज 8 रुपीज, उसका क्वांटिटी डिमांडेड 1 होगा. जब प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इंक्रीज होते गया और प्राइस जो है डिक्रीज होते गया. ठीक है, यही बताता है कि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में. नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस. एंड मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द एग्रीगेट डिमांड और कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल फॉर दैट कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक आदमी का जो डिमांड या एक फार्म का या एक इंडिविजुअल लेवल पे जो डिमांड है उसी को ही इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. और मार्केट डिमांड का मतलब है कंबाइन या एग्रीगेट टोटल डिमांड जो है, सभी इंडिविजुअल डिमांड को अगर ऐड किया जाए तो उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं. यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हो कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम जैसे कि 21, 22, 23, 24 है, उस समय ए एक इंडिविजुअल लिया गया है यहाँ पे ए एंड सेकेंड इंडिविजुअल इज बी. ए का डिमांड 4 है प्राइस 21 पे, देन बी के डिमांड है 5 और दोनों ऐड किया तो 9 बन जाएगा मार्केट डिमांड. ठीक है, तो इसी तरह इंडिविजुअल सभी इंडिविजुअल डिमांड का अगर ऐड किया जाए तो हम लोग को मार्केट डिमांड मिलेगा. द नेक्स्ट है डिमांड कर्व. डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी. सेम जो ग्राफ जो टेबल फॉर्म में जो हम लोग ने डिमांड शेड्यूल दिखा था, अगर उसी को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं. ठीक है, एंड डिमांड कर्व जो है हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोप, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाउनवर्ड स्लोप होता है. यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये एक इंडिविजुअल डिमांड है, सेकेंड ग्राफ जो है ये भी एक इंडिविजुअल ग्राफ है, एंड थर्ड ग्राफ जो है वो एक मार्केट डिमांड कर्व है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जो ग्राफ है और सेकेंड जो ग्राफ है दोनों का जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये ऐड करके थर्ड ग्राफ में बताया गया. जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइस 24 में एज क्वांटिटी डिमांड जो है 1 है और प्राइस 20 का जो डिमांड है प्राइस 24 में वो है क्वांटिटी 2. ठीक है, और दोनों को ऐड किया जाए तो प्राइस 24 में क्वांटिटी डिमांडेड इज 3. ओके, एंड दिस इज नॉन एज व्हाट मार्केट डिमांड कर्व. ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड.
ऐसे कौन सा चीज़ है जो मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करता है या अफेक्ट करता है? तो पहला है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस। सेकेंड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। अगर को कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो भी डिमांड में असर होगा। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कंज्यूमर का इनकम, देन टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन, ये भी डिमांड को डिटरमाइन करता है, मतलब अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड जो है इसको डिटरमाइन जो है इंडिविजुअल डिमांड का जो डिटरमिनेंट है उसमें से एडिशनल और तीन फैक्टर ऐड किया जाता है मार्केट डिमांड पे, जो है मार्केट डिमांड का जो डिटरमिनेंट है। पहला है पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सीजन एंड वेदर। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल डिमांड का जो डिटरमिनेंट है वो तो रहेगा ही। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कब काम नहीं करता है, तो वो है गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, देन एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे कि ये गिवन गुड्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में बताया था, गिवन गुड्स में ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इसके बारे में बताया था, ये ऐसे सामान जो है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को क्वालिटी का फर्क नहीं, क्वालिटी का कोई चिंता नहीं है तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। देन एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, कंज्यूमर को लगा कि आने वाले टाइम पे प्राइस चेंज होने वाला है या सामान का दाम बढ़ने वाला है तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। देन एबनॉर्मल कंडीशन लाइक एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन, या मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन सिचुएशन है तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब समझते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इट इज शोन बाय द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि अगर कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांड जो है अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उस और वो मतलब उसके खुद का प्राइस की वजह से, देन इट इज़ नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड ग्राफ में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड ए में है तो प्राइस पी में, और क्वांटिटी क्या है क्यू है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हो जाता है पी वन में, और प्राइस पी वन में इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्यू वन में डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि पॉइंट ए से बी में शिफ्ट हो गया, मींस अपवर्ड शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इट इज़ नॉन एज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट जो है क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। देन अगर मान लो प्राइस कम हो गया पी से पी टू में आ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स एक्सपांड होगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू से क्यू टू में चला गया, और इससे क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड मूव हो जाता है, ए से अभी क्या होगा सी में चला जाएगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस डिमांड कर्व में शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन कमोडिटीज ऑन प्राइस, इट लीड टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व आइदर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर प्राइस के अलावा अगर क्वांटिटी जो है चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब जगह बदल लेते हैं। जैसे कि मान लो पी प्राइस में क्यू क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी जो है कंज्यूमर किसी कारण की वजह से डिक्रीज हो गया या उसका इनकम कम होने के कारण या क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसका डिजायर्स है वो कम होने के कारण या कोई भी कारण हो सकता है अदर देन द प्राइस, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी क्या हो गया क्वांटिटी कम कर दिया, तो सप्लाई डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, जगह बदल देता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं चेंज इन डिमांड, विच इज अफेक्ट बाय द अदर डिटरमिनेंट्स अदर देन कमोडिटीज ओन प्राइस।
Next, I distinguish between movement along the demand curve and shift in demand curve. Shift in demand curve और movement along the demand curve का difference क्या है? हम लोग ने पहले already देख चुका है कि shift in demand curve का मतलब है demand curve जो है वो change होता है because it is affected by the other determinants than the on commodities on price. Whereas movement along the demand curve में क्या होता है कि खुद का price की वजह से demand curve जो है upward या downward होता है, और अपवर्ड को हम लोग कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं, डाउनवर्ड को एक्सपांसन ऑफ डिमांड कहते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये टेबल से डिफरेंसेस. नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू ए गिवन प्राइस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक क्या बोलते हैं, वी कैन से सिंपली इट इज अ रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, प्राइस कितना चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना असर होता है वही मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेनली फाइव टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. पहला है रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, देन परफेक्टली इन इलास्टिक, देन परफेक्टली इलास्टिक. ओके, पहला जो रिलेटिव इलास्टिक है ये डिनोट करता है कि इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कंपेरेटिवली ज़्यादा है. ठीक है, देन नेक्स्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक. ओके, ये क्या ये बताता है कि कंपेरेटिवली प्राइस चेंजेस होने की वजह से डिमांड में जो असर है वो कम है. ठीक है, पहला में क्या बताया था कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है. ठीक है, कंपेरेटिवली पहले से ज़्यादा है. देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस है डिमांड में इक्वल इफेक्ट है, जैसे कि 1% अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड में 1% कम हो गया, इसी को हम लोग यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं. देन थर्ड फोर्थ इज परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, इसका जो वैल्यू है ईपी जो है वो जीरो रहेगा. देन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इतना स्ट्रांग रिलेशन है कि वो इन्फिनिट तक जा सकता है. जैसे कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जीरो में भी आ सकता है, प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड जो है इन्फिनिट लेवल तक जा सकता है. ठीक है, दिस आर द मेन फाइव टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, एंड दिस आर द कर्व्स ऑफ डिफरेंट इलास्टिसिटी जो टाइप है उसी का डिफरेंट कर्व है. जैसे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वर्टिकल है. ओके, ई डी और ई पी इज जीरो. देन नेक्स्ट इज इन इलास्टिक, या हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड जो है उसका जो डिमांड कर्व जो है थोड़ा सा स्टीप रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन की तरह दिखाई देगा, और इससे जब डिमांड कर्व ड्रॉ करेगा तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल के एक शेप निकल के आएगा. ठीक है, मतलब इक्वल साइज, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी जो चेंजेस है वो इक्वल होगा. देन नेक्स्ट इज इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक वेयर ई इज मोर देन वन. ठीक है, देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसके जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो शेप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, वेयर ई इज इक्वल टू इन्फिनिट. देन मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर मेनली थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड. ठीक है, तो पहला मेथड को देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इस मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस मेथड इज मेजर बाय कंपेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है, कमोडिटी के ऊपर जो खर्चा है वो कितना चेंज हुआ है प्राइस चेंज होने की वजह से, उसी को ही मेजर करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में. फॉर्मूला है टी इक्वल टू पर प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड. ओके, नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल और द परसेंटेज मेथड. इस मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, कितना परसेंट प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हुआ. ठीक है,
और फॉर्मूला यही है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। थर्ड एंड लास्ट मेथड इज पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड। इट मेजर्स इलास्टिसिटी बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन डिमांड कर्व टू द लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, डिमांड कर्व जो है ग्राफिकली मेजर किया जाता है कि ग्राफ का, डिमांड कर्व का जो ग्राफ है उसका लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व को डिवाइड किया जाता है अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ओके ओके, थैंक यू गाइज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई एंड देयर इलास्टिसिटी। ओके, थैंक यू।